हेलो, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सृष्टि अकेडमी पर। मैं हूं आदर्श कुमार। शुरू करता हूं आज की बातचीत। आज आपको पता है कि आज संडे है, संडे में हम लोग कुछ टॉपिक से हटकर बातचीत करते हैं। तो चलिए हम लोग बात करते हैं। देखिए, आज आपको पता है कि आज की डेट है 26 जुलाई। आज के दिन क्या हुआ था कि अपना पड़ोसी उससे निपट नहीं रही थी तो युद्ध छिड़ गया, कारगिल का युद्ध के नाम से जाना गया। और ये युद्ध चला था लगभग 60 दिनों तक, मतलब 2 महीने तक चलने के बाद इसमें क्या हुआ कि अपने यूपी के सीतापुर जिले से शहीद कैप्टन मनोज पांडे जी ये 1/11 गोरखा राइफल को लेकर के चले गए और भिड़ गए और अंततः जीत हासिल की। लेकिन दुख की बात ये थी कि इसमें इनको अपने प्राणों की आहुति देनी पड़ी। मरने के बाद इनको परमवीर चक्र प्रदान किया गया। तो हम आप सबसे गुजारिश करते हैं कि आप सब ईश्वर से प्रार्थना करें कि उनकी आत्मा को शांति दे और उनको हम भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। उनका परिवार हमेशा खुश रहे और ईश्वर की कृपा हमेशा उन पर बनी रहे। तो अब हम लोग बात करते हैं थोड़ा सा कि जैसा कि मैंने बताया, एजुकेशन सिस्टम। देखो, कुछ कमी जो है अपनी है, कुछ कमी सरकार की है। अपनी कमी अगर बात करें हम लोग, तो हम लोग बात करते हैं, एक नॉर्मल सा एग्जाम्पल लेकर चलते। जैसे कोई बच्चा जब होता है, कक्षा 9 में जब आता है, तो कक्षा 9 में आने के बाद में वो यहाँ पर कक्षा 9 में पढ़ता है। 9 में उसको लगता है, हम जनरली बात कर रहे हैं आम विद्यार्थियों की, हो सकता है उसमें आप भी हों, आपके दोस्त भी हों या आपके कई लोग ऐसे हों। तो उसका क्या होता है, कक्षा 9 में आता है तो उसको लगता है कि सारी चीज़ें आसान हैं, बहुत आसान है, आराम से हम लोग ऐसे पास हो जाएंगे। तो वहाँ पर वो मास्टर से जाता है, कहता है इंपॉर्टेंट लगा दो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सर टिक कर दो और इसमें आ जाएगा मेरा इम्पॉर्टेंट। पढ़ते पढ़ते कक्षा 10 में आ जाता है। कक्षा 10 में उसको लगता है कि हाँ, सिलेबस कितना है, क्या सारी चीज़ें हैं। तो वो 10 में मेहनत करके जैसे तैसे, अब तो ग्रेडिंग का सिस्टम लग गया, सरकार का एक गिफ्ट स्टार्ट हो गया कि ग्रेडिंग का सिस्टम लग गया। इसकी वजह से कक्षा 10 पार कर गया, ऐसे ऐसे उसका इंटर हुआ। इसी प्रकार से पढ़ते पढ़ते और कक्षा 9 में आने के बाद उसको एक भयानक चीज़ मिल गई थी, एक जहर कह सकते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं, ऐसे बताते हैं, गेस पेपर सीरीज। और इस जहर को हम लोग आज तक धोते हैं। आज तक कहने का मतलब, जैसे हम लोग स्नातक किए, परास्नातक किए, जो भी चीज़ किए, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, जब एडमिशन कराने जाते थे, थोड़ा टॉपिक चेंज करना ध्यान रखना, तो जब एडमिशन कराने जाते हैं तो पहला क्वेश्चन जानते हो क्या आता है, क्या सर स्कूल आना पड़ेगा? मतलब शर्म नहीं आती है ये क्वेश्चन करते हुए मास्टर से कि सर स्कूल आना पड़ेगा, क्या सर रोज़ पढ़ाई होती है? मतलब वो बच्चा सोचता है कि स्कूल जाने ना पड़े, पढ़ाई करना ना पड़े और लास्ट में हम लोग क्या ले लें, गेस पेपर ले लें या सीरीज ले लें, अब जो भी समझते रहना, सीरीज ले लें और सीरीज लेकर के हम पास हो जाएं। और सीरीज भी ले लेता है बच्चा। सीरीज लेने के बाद, गेस पेपर लेने के बाद, जो क्वेश्चन बैंक होती लेने के बाद में, अब सोचता है कि मेरा यहाँ पर पास हो जाएंगे, पढ़ लेंगे। लेकिन उनको पढ़ता फिर भी नहीं वहाँ पर है, पढ़ेगा फिर भी नहीं वहाँ पर। तो उसने टेंडर तय ही कर लिया कि हमको स्कूल नहीं आना है, मास्टर से तय कर लिया कि जो भी इन्फॉर्मेशन हो मुझे बताते रहना। अभी समझते हैं सारी चीज़ें क्या हो रहा है घटनाक्रम। अब उसने क्या कर ली, लास्ट में उसने सीरीज ले ली। अब सोचता है पढ़ के हम पास हो जाएंगे। फिर वो संपर्क करता है अपने रोल नंबर के, जितने संपर्क के वो होते हैं साथी, उनको संपर्क करता है और कहता है कि भाई पढ़ लेना, थोड़ा सा पढ़ लेना, आधा तुम पढ़ लेना, आधा हम पढ़ लेंगे, काम हो जाएगा, है ना। लेकिन साथी भी क्या कहता है, यार थोड़ा रात को बात कर रहे थे तो करते करते थोड़ा देर हो गई तो पढ़ाई भूल ही गए, तो अब क्या करें। तो कहते हैं ठीक है, देखा जाएगा, जुगाड़ करेंगे कुछ। तो जुगाड़ करते करते मास्टर को समझ लो कि एक प्रकार की रिश्वत मिलती है, या कह सकते हैं कि उस पर सिंपैथी दिखाई जाती है हर प्रकार से। अब जैसे तैसे वहाँ से नंबर खींचे जाते हैं, वो नकल करके या बोल करके या जिस प्रकार से आप समझते हो, बताने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ से बच्चा हो गया पास, ये 9th लिखा है, लेकिन हम बात कर रहे हैं ग्रेजुएशन सिस्टम की। ग्रेजुएशन पास हो गया। अब ये बताओ, उसने 3 साल, 2 साल, जितना भी समय उसने लगाया, उसने कुछ पढ़ा तो है नहीं, उसने किताबें उसको पता नहीं, उसके सिलेबस में कौन कौन से बुक हैं, उसको ये तक पता नहीं है कि उसके पास क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या उसके पास सिलेबस था, कौन कौन से चैप्टर थे, कुछ नहीं पता उसको। वो जैसे तैसे पास हो गया। और अगर पता भी है तो सच बताऊँ आपको, उसने अपने सिलेबस का केवल 30% पढ़ने की कोशिश की है और एग्जाम में आता है 10%। एक बुक में कम से कम 1000 सवाल होते हैं, तो क्या एग्जाम में 10 पूरे पूरे 1000 सवाल आ जाते हैं क्या?
10 सवाल मुश्किल आते हैं, अगर 1000 सवाल आते हैं या बनते हैं सारे सिलेबस की अगर बात करें, तो ऐसे मान के चलो 10% सिलेबस आता है, और उस 10% में भी बच्चा क्या करता है 3-4% पढ़ता है और बाकी इधर जुगाड़ से पास हो जाता है। अब मुझे आप बताओ, अपने विवेक से बताओ कि अब उसको योग्य कहेंगे क्या आप? क्या आप उसको कह सकते हो वो स्नातक है, वो ग्रेजुएट है, उसने इतना पढ़ा है उतना पढ़ा है, वो केवल उसके पास नाम की डिग्री है, नाम के उसके पास MA है, MSc है, BA है, BTech है, और यहाँ तक लोग इतने मतलब स्मार्ट हैं कि BTech करने के बाद सोचते हैं कि अब आगे क्या किया जाए। अबे जब तुम BTech कर ही चुके हो, अब तुमको अपनी लाइन में जाना चाहिए। अब तुम क्यों सोचते हैं BEd कर लें, BTC कर लें, या फिर हम मजूरी कर लें, क्यों सोच रहे हो सारी चीज़ें? बहुत सारे ऑप्शन आपके पास हैं, बहुत कुछ कर सकते हो आप उस समय। देखिए कहीं ना कहीं अगर हम देखें, हमने एक बात जो की है ये सारे सिस्टम की, हम CBSE बोर्ड की बात नहीं कर रहे हैं, हम नॉर्मल स्टूडेंट्स की बात कर रहे हैं, जो एक स्टेट बोर्ड से पढ़ करके हिंदी मीडियम छात्र जो आगे, जिनके आगे असफलताएं खड़ी होती हैं। तो अगर देखा जाए तो मूलभूत कारण यही है भाई, मूलभूत कारण, छोटे छोटे अगर कारण देखा जाए तो यही सब कारण है, क्योंकि बच्चा 9th से ही 9, 10, 11, 12 से वो इम्पोर्टेंट पढ़ रहा है, गेस्ट पेपर के सहारे पास हो रहा है, किताबें जानता नहीं है, मास्टर से पास नहीं जाना चाहता है, है ना? तो कहीं ना कहीं कमी किसकी आ रही है, आप समझ सकते हो क्या प्रॉब्लम आ रही है। अब यहाँ पर पढ़ने के बाद बच्चा मान लो पास भी होता सारी चीज़ आती, फिर कहता है कि हम कंपटीशन नहीं पास कर पा रहे हैं, हमको नौकरी नहीं मिल रही, हम बेरोजगार हो रहे हैं, तो अब गलती किसकी है? आपकी गलती है या सरकार की गलती है? एक चीज़ इसमें फैक्ट है, याद रखना आप, कि अगर देखा जाए तो इसमें कहीं ना कहीं जागरूकता की कमी रहती है। जागरूकता हम लोगों को है नहीं इतनी कि इंटर के बाद क्या करें, यहाँ तक कि अगर हम बात करें तो गार्जियंस को भी बहुत ज़्यादा जागरूकता नहीं उतनी चीज़ों में है, क्योंकि गार्जियंस को भी जब बच्चा इंटर के पास होता है तो गार्जियंस सोचते हैं कि बच्चे को क्या करा लें, और ये कराने के लिए पूछने जाते हैं अपने पड़ोसी से जिनका बेटा BA कर चुका है और आज भी बेरोजगार घूम रहा है, या उन्होंने जीवन में कुछ नहीं किया, उनसे पूछने जाते हैं, वो कहते हैं कि भाई हमने तो BA कराया था, आप BSc करा दो। या मान लो कोई किसी का बेटा BTech कर चुका है, BCom कर चुका है, तो जिस प्रकार से उनको जैसा हो जाता था उन्होंने सलाह दे दी, और उसी सलाह के माध्यम पर वो अपने बच्चे का एडमिशन करा देते हैं। इस प्रकार से देखो कहीं ना कहीं जागरूकता कमी है। अगर बच्चा 18 प्लस होने के बाद में, अगर 18 प्लस होने के बाद वो जागरूक नहीं होता है अपने करियर के प्रति, तो उसके आगे समस्याएँ बहुत बड़ी खड़ी हैं। अगर आप खुद नहीं सोच सकते हो, समझ सकते हो कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है, तो पढ़ने कोई फ़ायदा नहीं। तो बेटा एक काम करो, आप इंटर करने के बाद में आप किसी दुकान पर कोई धंधा या कुछ भी कर सकते हो, आप उसमें सक्सेस हो जाओगे, क्योंकि इंटर के बाद में कम से कम आप 5 से 7 साल आप बिताते हो किसी न किसी, जैसे आपने 3 साल BA किया, उसके बाद 2 साल आपने MA कर लिया, फिर 2 साल तैयारी कर रहे हो, है ना? तो 5-7 साल ऐसे बीत गए और फिर भी आप बेरोजगार हो, तो इससे बेटर आप 7 साल किसी भी आप दुकान में, किसी धंधे में, किसी चीज़ में आप इन्वेस्ट कर दो, किसी बिजनेस में इन्वेस्ट कर दो, तो आपका सक्सेस मिल जाएगी आपको कहीं ना कहीं। यहाँ पर सक्सेस होने के चांसेस ज़्यादा है बिजनेस में। देखो मैंने बात की है जागरूकता की, हम ये नहीं कह रहे 1% की एजुकेशन खराब है, एजुकेशन हमको रोजगार नहीं दे सकती है, क्योंकि देखो जो लॉर्ड मैकाले साहब लेकर आए थे वो एजुकेशन को लेकर इसीलिए आए थे कि ये एजुकेशन जो है, ये शिक्षा प्रणाली जो है ये आपको रोजगार दिलाएगी, इसलिए एजुकेशन को लेकर आए थे। वरना हम लोगों की जो परंपरागत जो शिक्षा थी वो तो वेद थे, उपनिषद थे, है ना? अगर मुस्लिम संप्रदाय की बात करें तो हम लोगों को पढ़ाया जाता था कुरान, पढ़ाई जाती थी इस्लाम, बताया जाता था ये सारी चीज़ें, ठीक। लेकिन इस शिक्षा को डाइवर्ट किया गया, बदला गया, चेंज किया गया, क्योंकि शिक्षा से हम लोगों को रोज़गार भी मिल सके, रोज़गार बेस्ड शिक्षा है आज की अगर देखा जाए। लेकिन कोई समझना नहीं चाहता। IT अगर हम बात करें, इंफॉर्मेशन टेक की बात करें, अगर हम इलेक्ट्रिशियन की बात करें, अगर हम मतलब इतनी ट्रेडें हैं, इतनी लाइनें हैं कि आप थक जाओगे, लेकिन है क्या? बच्चा BA करता है, BA करने के बाद सोचता है कि ITI कर लें, कक्षा 8 वाली ITI करने के लिए निकल पड़ता है, ITI करने के बाद सोचता है अब क्या करें, कहीं ना कहीं मजदूरी कर लें, तो कहीं ना कहीं देखो भ्रमित हो रहा है पूरा जो अपना जो युवा वर्ग है वो भ्रमित है। ये सारी चीज़ें बातें हो सकता आपको टच कर रही हो, कहीं ना कहीं आपके साथ भी हुआ हो ऐसा। अब देखो अगर एजुकेशन सिस्टम, इधर तो हम लोगों की कहीं ना कहीं गलती थी, एक ये समझ लीजिए एक डर होता है शिक्षा को लेकर के, एजुकेशन को लेकर के, लोगों के अंदर डर निकालना है। देखो एजुकेशन बहुत ही प्यारी चीज़ है,
बहुत ही प्यारी चीज़ है। किताबों के अंदर वो सारी चीज़ें मिलेंगी जो आप बाहरी दुनिया में नहीं ढूंढ सकते हो। अगर हम बात करें जैसे आपकी जो नेचर है वर्ल्ड में, जो भी सारी चीज़ देख रहे हो, इसकी सारी जानकारी आपको बुक्स में मिलेगी। आप बुक में पढ़ो, किताबों में पढ़ो, आपको इतना ज्ञान मिलेगा, तब आपको रियलाइज़ होगा, एहसास होगा कि मैं क्या क्या चीज़ें मुझे नहीं पता थी। जैसे अगर मैं एक बात कहें आपसे, फॉर एग्जांपल, कि दुनिया जो आप देख रहे हो ना, ये जो हरी देख रहे हो पत्ती, ये ब्लैक मार्कर देख रहे हो, ये यहाँ पर रेड देख रहे हो, तो अगर हम बात करें, ये कुछ नहीं है, ये सारा आपका इल्यूजन है, कल्पना है। ना तो दुनिया लाल है ना पीली है, दुनिया कलरलेस है, रंगहीन है। तो आपको हो सकता है जान के आश्चर्य हो, लेकिन ये सब को पढ़ने से मिलेगा। तो मैं 1% ये नहीं कहता हूँ कि एजुकेशन खराब है। प्रॉब्लम ये आती है कि हम लोग एजुकेशन समझना चाहते नहीं हैं। हम लोगों को ज़िंदगी में चाहिए केवल इन्जॉय, आनंद चाहिए। वो आनंद हमको चाहे फेसबुक से मिल जाए, वो आनंद हमको चाहे टिकटॉक से मिल जाए, वो आनंद हमको चाहे किसी से बात करके मिल जाए, वो आनंद हमको किसी से मज़ा लेकर के मिल जाए, हमें पार्टी करके मिल जाए। जीवन में सिर्फ आनंद ढूंढ रहे हैं, और ये आनंद हम लोग ढूंढते हैं 25 से 30 तक, मान के चलिए 18 से लेकर के 30 के बीच में हम लोग आनंद ढूंढते हैं, इन्जॉय ढूंढते हैं। लेकिन सच बताएं, ये एज जो होती है, मैं खुद इसी एज में हूँ, तो मैं ये समझता हूँ अपने अनुसार कि ये एज आपकी स्ट्रगल की एज है। ये एज आपकी स्ट्रगल की एज होती है, संघर्ष की एज होती है। अगर इसके ऊपर निकल गए, जो लोग निकल चुके हैं, मेरे भाई जो बड़े लोग, बड़े भाई होंगे या जो हमारे सीनियर होंगे, वो निकल चुके हों, तो वो लोग एहसास कर रहे होंगे कि कितना बड़ा हमने गलत किया है, इन्जॉय करके उस आनंद को, उस क्षणिक आनंद को लेकर के कितना पछतावा हो रहा होगा अगर वो सक्सेस नहीं हुई है तो। और यहाँ पर जो 17 वगैरह एज में है, तो वो लोग सोच रहे हो कि जैसे ही एज आएगी हम भी इन्जॉय करेंगे, हम भी कॉलेज में जाएंगे, ये करेंगे, मस्ती करेंगे, है ना, हॉस्टल में जाएंगे। हॉस्टल कहानी आपको पता है, अगर आपने कभी रहे होंगे आप लोग, हॉस्टल में क्या होता है, पढ़ाई छोड़ के सब होता है। तो हमने ये बात की, कहीं ना कहीं एक अपनी गलती, अपने युवा वर्ग की गलती, गलतियाँ या कमियाँ या एक जागरूकता कमी। दूसरी हम बात करते हैं कि अब सरकार की कहाँ से प्रॉब्लम आ रही है। तो देखो, इस समय अगर बात करें तो कहीं ना कहीं सरकार विवश है कि वैकेंसी करा नहीं पा रही है। जो ही वैकेंसी आती हैं, अब कमियाँ समझ लो या जो भी है, वैकेंसी आती हैं और आकर के उसमें कोई जॉब क्लियर नहीं हो पाती, वैकेंसी क्लियर नहीं हो पाती, उसकी बात हम छोड़ दें। हम बात करते हैं एजुकेशन सिस्टम पर। देखो, वैकेंसी, नौकरी, ये तो मोटिवेशन है। एजुकेशन का ये मोटिवेशन होता है नौकरी लगना। किसी व्यक्ति की नौकरी लग जाती है पड़ोस में, पड़ोस में भैया की नौकरी लग जाती, चचा की नौकरी लग जाती, तो हमको मोटिवेशन मिलता है कि यार हमको ही पढ़ना चाहिए। देखो, हमारे भैया लेखपाल हो गए, हमारे मामा का लड़का रेलवे में हो गया, तब ये मोटिवेशन मिलता है। तो एजुकेशन के लिए मोटिवेशन जॉब है आज के युग में, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए, फिर भी चलो मान लेते हैं। लेकिन अगर हम सरकार की बात करें तो सरकार ने दो सेक्टर बना रखे हैं, एक अमीरों के लिए, एक गरीबों के लिए। अगर हम बात करते हैं कि सरकारी जो संस्थान हैं, जो सरकार अपने हाथ में लेकर चलाती है, जो सरकारी स्कूल के नाम से जाने जाते हैं, उसमें टीचर जो अध्यापक रखे जाते हैं, वेल एजुकेटेड रखे जाते हैं, बहुत ज़्यादा शिक्षित रखे जाते हैं, फिर भी बच्चा वहाँ सक्सेस नहीं पा रहा है। और जहाँ पर 1500-2000 रुपये मास्टर रखे जाते हैं, वो जैसे तैसे चला रहे हैं, वहाँ से बच्चे सक्सेस पा रहे हैं या पढ़ रहे हैं, क्या कारण है आप समझ सकते हो? क्योंकि जितना आपका शिक्षित और थोड़ा सा ऐसा वर्ग है जो आगे बढ़ चुका है, वो अपने बच्चों को सरकारी विद्यालय में भेजना पसंद ही नहीं कर रहा है। जबकि वहाँ कौन भेज रहा है? वहाँ जिनके पास घर में खाने को नहीं है, पहनने कपड़े नहीं हैं, तो वो लोग कहते हैं कि जाओ बेटा स्कूल जाओ, वहाँ पर खाना भी मिल जाएगा, वहाँ पर तुमको कपड़े भी मिल जाएंगे, और चाटने के लिए मास्टर का सर मिल जाएगा, बैठ कर चाट लेना। तो इसलिए वो क्या कर रहे हैं कि अपने बच्चों को वहाँ भेज रहे हैं। अगर थोड़ी सी थोड़ा सा एक्शन ले ले सरकार, देखिए हम कहीं ना कहीं ये चाहते हैं कि शिक्षा प्रणाली सरकार की तरफ से भी ढीली है। एमडीएम के लिए जांचें बहुत आती हैं, खाने में छिपकली कब मिल गई, खाने में कीड़ा कब गिरा, खाने में ये क्या हुआ, खाने के लिए मास्टर को सस्पेंड। क्या कभी ना आपने एक ऐसी रिपोर्ट सुनी है कि बीएससी ने जा करके या एसडीआई ने जा करके या किसी भी मंत्री ने जा करके सिलेबस चेक किया हो जा करके बच्चे को कितना पढ़ाया गया? रिपोर्टर तो जाते हैं मास्टरों की मजा लेने के लिए, ऐसे रिपोर्टर वो एक कह सकते हैं कि अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए जाते हैं वो लोग।
कि वो मास्टर को जनवरी की स्पेलिंग नहीं आती, ऐसे नहीं आती, इसका मतलब आप सरकार को ब्लेम लगा रहे हो, सरकार पर ब्लेम लगा रहे हो कि मास्टर जो भरे गए हैं, जो अध्यापक भरे गए हैं, जो तो ये अनपढ़ है, इनको तमीज़ नहीं है। तो ये बात कहीं ना कहीं इस चीज़ को मानने को तैयार नहीं है। शिक्षा में सॉरी जितने आपके शिक्षक हैं, जितने आपके अध्यापक हैं, ये बहुत वेल एजुकेटेड हैं। देखो तभी तो भाई उन्होंने BTC किया, BEd किया, सारी चीज़ें की, और उसके बाद में उन्होंने टेट का एग्ज़ाम क्वालीफाई किया, सुपर टेट दिया, बाकी सारी चीज़ें दी हैं। ठीक, कुछ परंपरागत टीचर भी रहे हैं, तो उनका तो जमाना धीमे धीमे जा रहा है समझ लो। अब आप कह रहे हो कि टीचर अगर एजुकेटेड नहीं है तो सरकार के मुँह पर तमाचा है, ऐसा नहीं है। शिक्षक सारे एजुकेटेड हैं, लेकिन सरकार कहीं ना कहीं इस चीज़ पर ढील दे रही है कि बच्चों का ना तो सिलेबस टाइम पर चेक करा रही है, ना तो ये चेक करा रही है कितने लोग पास हुए। अब तो एक ये अजीब बना रखा तमाशा भाई साहब कि बच्चा कोई फेल नहीं होना चाहिए। अरे जब फेल नहीं होगा तो उसको अपना एहसास कैसे होगा, गलती का एहसास कैसे होगा। आप एक स्लो पॉइजन दे रहे हो, बच्चे को 6 महीना फेल किया जाए, 7 महीना फेल किया जाए, 8 महीना फेल किया जाए, कक्षा 9 में पहुंच जाए, 10 में भी उसको ग्रेड सिस्टम देकर पास करा दिया जाए, इंटर में वो भरभूत कर निकल जाए, उसके बाद BA कर ले, और BA करने के बाद वो बाद में बैठे कहे हम बेरोजगार हैं। तो ये कहीं ना कहीं कमियां सरकार की तरफ से भी हैं। सरकार जितना वो साइड पर ध्यान दे रही, साइड का मतलब जितने भी साइड जो अलग से पार्ट हैं, जैसे ड्रेस देखना, जूते देखना, बच्चों के खाने पीने, ये सारी व्यवस्थाएं देखना, तो उतना वो थोड़ा सा इस पर भी एक ध्यान दे कि उनका सिलेबस, उनका एजुकेशन सिस्टम, उनकी पढ़ाई, उनका लेवल, उनका IQ लेवल, ये सारी चीज़ें कैसी चल रही हैं। वो एक कंपटीशन कराते कि जो सरकारी विद्यालय से, अगर जैसे नवोदय होता है, ये सारी चीज़ें होती, अगर सरकारी विद्यालय से 10 बच्चे प्रमोट होते हैं, 10 बच्चे जाते हैं, तो हम उन टीचरों का प्रमोशन करेंगे या ये चीज़ें करेंगे, ये चीज़ें, मतलब बहुत सारी हो सकती हैं, मोटिवेशन हो सकते हैं जो शिक्षकों को मिलेगा, तो वो मेहनत करेंगे बच्चों पर, और मेहनत करेंगे तभी बच्चे आगे बढ़ेंगे। प्राइवेट में क्या हो रहा है, प्राइवेट में एक रेस लगी पड़ी है, इस चक्कर में कॉम्पिटिशन है, यहाँ पर कौन सी रेस है। सरकारी विद्यालय में कोई रेस ही नहीं, और रेस गवर्नमेंट चाहती नहीं। तो कहीं ना कहीं एजुकेशन सिस्टम को ढीला करने में सरकार का भी योगदान है, और उससे बढ़कर हम लोगों का योगदान है। इसीलिए तो हम लोग एडमिशन कराते वक्त पूछते हैं जाकर के कि सर स्कूल आना पड़ेगा, सीरीज से काम चल जाएगा। पड़ोसी हम लोग ढूंढ लेते हैं ऐसे हैं कि क्या बताएं आपको, कि जो हमारे पाए तो पेपर तो लिखवा लें पड़ोसियों से। हम लोग जब पेपर देने जाते हैं तो ये सोचते हैं कि मास्टर को ऐसा फंस जाए जो साथ में बैठ कर मेरी कॉपी लिख दे। तो ये हम लोगों को सोचना पड़े, अपनी कमियां जाननी होगी। अगर हम लोग BA में हैं, BEd में हैं, BTC में हैं, BTech में हैं, BCom है, MCom है, कुछ भी, तो उसका कम से कम किताबें पढ़ें। एजुकेशन किताब है, ना कि वो इसके शुल्क उसके शुल्क, ये फीस वो फीस, ये प्रैक्टिकल वो प्रैक्टिकल, ये सर्टिफिकेट वो सर्टिफिकेट, ये एजुकेशन नहीं है। मैं फिर कह रहा हूँ आपको, एजुकेशन के सिर्फ 2 घटक हैं, एक तो आपका विद्यालय के साथ कनेक्शन, टीचर के साथ कनेक्शन, और दूसरा आपकी किताबों के साथ कनेक्शन। अगर आप किताबों के साथ कनेक्शन बनाते हो, टीचर के साथ कनेक्शन बनाते हो, तो ये आपका सबसे बड़ा एक सफल पहलू माना जाएगा, एक अच्छा पहलू माना जाएगा कि आप सक्सेस के पीछे सबसे बड़ा योगदान इन्हीं का होगा। ना कि आपका स्काउट गाइड वाला सर्टिफिकेट, ना कि आपका वो खेलकूद वाला सर्टिफिकेट, ना तो आपका पिकनिक स्पॉट, ना तो आपका ये रंगमंच, इसका कोई मतलब नहीं है। अगर आप एजुकेशन लेना चाहते हो, शिक्षा लेना चाहते हो, तो बस अगर आपको ये बातें आपको अच्छी लगी हो, समझ में आई हो, सारी चीज़ें जो मैं बात कह रहा हूँ अगर आपको सही लगती हैं, तो आप वीडियो को अपने दोस्तों को जरूर इसको शेयर करें, ज़रूर दिखाएं। मैं इस पर काफ़ी दिन से सोच रहा था कि आपसे बातचीत की जाए, कि ये कहीं ना कहीं मुझे दिमाग में खटका करता है कि हम प्रॉब्लम देखते हैं बच्चों की, क्या क्या हो रहे हैं उनके आगे। बच्चा 8 में पहुंच जाता, अपना नाम नहीं लिख पाता है, क्या प्रॉब्लम है आखिर। और प्राइवेट स्कूलों में देखते हैं बच्चा 3 में है, 4 में है, वो इंग्लिश लिख रहा है, सारी चीज़ें कर रहा है, तो कहीं से ढीला पोली तो है, कुछ ना कुछ कमियां आ रही हैं। और यही क्षेत्र बढ़ाती हैं, एजुकेशन माफिया को बनाती हैं, कंपटीशन को बढ़ाती हैं, कंपटीशन लेवल को बढ़ाती हैं जाकर के। इसीलिए तो मास्टर बैठ कर सिखाता है, फिर बाद में बताता है 10 दिन में करता है, 20 दिन में करता है, बताओ दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे। अरे कक्षा 3 दिन के सवाल हैं, कक्षा 6-6 के सवाल हैं, ये हम लोग सिखाएंगे क्या भला। और उन लोगों को सिखाना पड़ता है जो BEd कर चुके हैं, BTech कर चुके हैं, उनको सिखाना पड़ता है, शर्म आती है भला। तो कम से कम थोड़ा सा हम लोग अब सुधर जाएं, आने वाली पीढ़ी को सुधार लें।
वीडियो को बस यहीं तक रोकते हैं, यहीं तक रखते हैं। आप सभी लोग अपना ध्यान रखिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। अब मिलते हैं आपको अगली क्लास में। जैसा कि आपको पता है कि मेरी मैथ और साइंस की क्लासेस आती रहती हैं। अगर आपको अच्छा लगा तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक आपके लिए बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद।